वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं, खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। और अभी हमारा टॉपिक बड़ा अहम है, गुफ्तगू के हवाले से। क्या गुफ्तगू का भी कोई फन होता है, हुनर होता है? क्या हमें गुफ्तगू करने का तरीका कार आना चाहिए? समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं जी गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जो किसी के दिल में घर कर जाती है, और गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिल से उतार के नीचे फेंक देती है। आपके अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह पैदा कर लेते हैं, और आपके अल्फाज, आपकी तख्त कलामी ऐसी एक चीज़ है जो आपको ना तो दूसरों की नजरों में गिरा देती है, बल्कि आप उनकी उनकी जिंदगी में एक ऐसा करेक्टर बनके सामने आते हैं जो कभी भी आपके बारे में बात करना नहीं चाहते। जब भी आप महफिल में बैठे होंगे तो आपसे किनारा कशी करेंगे, आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी जुबान, आपकी गुफ्तगू ऐसी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। इसका मतलब क्या कि आप बोलें, आप जब बोलते हैं तो पहचाने जाते हैं। आपकी तरबियत क्या, आपका खानदान क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, तो आपकी लिबास तो बड़ी अहमियत का हामिल है आपकी जिंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ आपकी गुफ्तगू भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो अंदाजा हो जाता है दूसरे शख्स को कि आपकी फैमिली कैसी, आपकी तरबियत कैसी की गई है। आजकल हम तरबियत के हवाले से काफी ज्यादा बात करते हैं कि बच्चों की तरबियत ऐसी कीजिए, उसमें गुफ्तगू का बड़ा अहम है। कुछ लोग होते हैं जब प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे होते तो हम कहते हैं जी लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो जो अपनी बात कहना चाहते थे वो बात ही नहीं कह पाए। तो चीजें कुछ ऐसी होती है, गुफ्तगू का बड़ा अहम किरदार है। आज हम गुफ्तगू की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। पेरेंट्स का क्या रोल है, यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, क्या वाकई वहां से ये स्किल्स हमें सिखाई जा रही है या नहीं सिखाई जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उस्ताद भी हैं, बहुत से लोगों को टीच कर रहे होते हैं, उस्तादों के भी उस्ताद हैं, बहुत से उस्ताद भी इनको उस्ताद कह रहे होते हैं, कुछ मेरे उस्ताद भी इनको उस्ताद मान रहे होते हैं। तो जनाब आज उनसे गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपकी नजदीक गुफ्तगू की अहमियत क्या है, क्या वाकई इतनी अहमियत की हामिल है गुफ्तगू आपकी? देखें, जिंदगी का कोई भी रिश्ता या कोई भी पहलू गुफ्तगू के बगैर कंप्लीट नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, टीचर का स्टूडेंट से रिश्ता, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से रिश्ता, कारोबारी आदमी का अपने क्लाइंट से रिश्ता, हल्ता के अल्लाह ताला का आपसे रिश्ता, ये तमाम के तमाम रिश्ते कम्युनिकेशन के मोहताज हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम इसे एक बाज़ाब्ता फन के तौर पर नहीं सीखते जी। 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, 30 साल उम्र हो गई है, आप उससे पूछें, उससे कहें कि तुम अपने फन गुफ्तगू को बेहतर करो, अपने अंदाज को बेहतर करो, तो वो कहता है जब मैं 5 साल का था मैंने तब बोलना शुरू किया था और अब तक बोल रहा हूं, मुझे बोलना आता है तो बोल रहा हूं ना। हाँ जी। मगर प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन या फन गुफ्तगू सिर्फ बोलना नहीं है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, और हत्ता ये कि क्या नहीं बोलना, ये भी गुफ्तगू का फन है। तो गुफ्तगू के फन में खाली बोलना नहीं है, उसमें लिसनिंग भी है। अल्लाह ताला ने आपको जुबान एक दी है, कान दो दिए हैं, तो ख्वातीन तो समझती है कि ये झुमके पहनने के लिए, बुंदे पहनने के लिए दिए हैं, मर्द समझते हैं ऐनक पहनने के लिए दिए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि बोलना क्या है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोलना तो हम तमाम लोगों को आता है, लेकिन कौन सी बात कहाँ करनी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने बॉस से जब बात कर रहे होते हैं तो हम उनका मूड खराब होता है, लेकिन हम उस वक्त उनसे छुट्टी की बात कर लेते हैं, जबकि उस वक्त उनसे ये बात नहीं करनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको किस वक्त कहाँ क्या बोलना है, इसकी सिलेक्शन करना बड़ा जरूरी होता है। डॉक्टर साहब इस हवाले से थोड़ा बता दीजिए, जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी, बॉस गुस्से में जाके हम छुट्टी की डिमांड कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं है ना कि कौन सी बात कहाँ करनी है, तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट भी कीजिए। एक तो ये जो मामला है ना कि हमने बॉस से छुट्टी मांगनी थी, उसका मूड ठीक नहीं था, इसका ताल्लुक रेपो बिल्डिंग से है। अच्छा, कि आप कोई बात करने से पहले, कोई बात मनवाने से पहले उसका सही वक्त सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, दिस इज नंबर वन। बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बात को पेश कर, अपनी बात को पेश कैसे करते हैं। हम इस जिस हाल में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इसमें बेशुमार बटन लगे हुए हैं। हाँ जी। इस लाइट का बटन है, इस लाइट का बटन है, फैन का, एसी का, कैमरे का। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा बटन किस चीज का है। हाँ, बिल्कुल। मैं एक लाइट ऑफ करना चाहता हूं, मैं एक बटन दबाता हूं तो अपना कैमरा ऑफ हो जाता है, दूसरा बटन दबाता हूं माइक ऑफ हो जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। हाँ जी। अगर मुझे पता हो तो मैं राइट काम करूंगा। हाँ जी। सेम गोज विद अवर माइंड, हमारे दिमाग में भी मुख्तलिफ बटन है, बात मनवाने के भी, बात रिजेक्ट करवाने के भी, मोहब्बत के भी, नफरत के भी, उनसियत के भी और अदावत के भी। अब आप क्या करते हैं जब बात मनवाने के लिए जा रहे होते हैं, एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि मेरी बात को एक्सेप्ट करो, मगर आपकी गुफ्तगू डिनाइल के ऊपर जा रही होती है, वो नो का बटन आ जाता है। समटाइम्स हम अपने अल्फाज से दूसरे को कह रहे होते हैं कि मेरी बात के उलट करो। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके तमाम व्यूअर्स के लिए भी। आप सब लोग जस्ट चंद सेकंड के लिए जो मैं कहता हूं वो उस बारे में सोचे जरा। मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज डोंट लुक बैक, बराह करम पीछे मुड़ के मत देखें। अब बताइए सबसे पहला ख्याल आपके जहन में भला क्या आया?
पीछे मुड़ के देखूंगी पूछिए जरूर हाँ देखूंगी फौरन से। मैं कहना कि चाहता हूं पीछे मुड़ के ना देखे और आपका पीछे मुड़ने पर दिल आ रहा है, वाई नॉट। मैं ये क्यों नहीं कहता कि लुक स्ट्रेट या सीधा देखे। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं मैं वो कहूं, मैं वो कह रहा हूं जो मैं नहीं कहना चाहता। अब नेगेटिव रिजल्ट तो मिलेगा बिल्कुल। तो अगर हम वर्ड्स की सिलेक्शन सही करें, उसके मूड का अंदाजा लगाएं, उसके मेंटल सिंटैक्स का अंदाजा लगाएं, सिचुएशन का और टाइम का अंदाजा लगाएं, तो यकीनी तौर पर आपके तमाम सीनियर्स आपकी बात मानेंगे। अच्छा ग्रेट, ये बड़ा अच्छा आपने एक हुनर हमें बता दिया है कि अक्सर हम लोग वो बात कह देते हैं जो हमने नहीं कहनी होती। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप बिल्कुल आई एग्री विद यू कि अगर जिस चीज से आपको मना किया जाए ना फौरन से, हम सम टाइम खवातीन चुगली कर रही होती है ना तो कहते पीछे मुड़ के मत देखना। आपने ना समटाइम्स वाली बात तो आपने इजाफा ही किया, समटाइम्स निकाल ले फिक्र, बाकी भी ठीक है आपका। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जो फला शख्स पीछे खड़ा मुड़ के मत देखना, तो हमारा दिल करता है कि हम पहले मुड़ के देखें और फिर बात को सुने। मैं इस बात को और एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ये इंफॉर्मेशन को या गुफ्तगू को ऐसे प्रोसेस करता है कि ये नेगेटिव वर्ड को ड्रॉप कर देता है, नेगेटिव वर्ड को रजिस्टर नहीं करता। ठीक है, आज का टॉपिक भी इतना मजेकार, मैं इसका एक्सपर्ट हूं, मेरा दिल करता है मैं आपको एक्सरसाइजेस करवाऊं थोड़ी। जरूर जरूर, क्यों आप एक्सरसाइज करें, आप भी मेरे साथ करिए और व्यूअर्स भी करें मेरे साथ। 30 सेकंड है जी। अच्छा प्लीज, जो मैं कहूंगा आपने वो करना है। ठीक है, ब्राह करम आप सब लोग हमारी एंकर समेत आंखें बंद कर लें अपनी। ओके, एक दो गहरे सांस लीजिए। नाउ प्लीज डोंट थिंक अबाउट मंकी, बंदर के बारे में मत सोचिए, वो कैसा होता है, उसके दांत कैसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आंखें खोल दें जी। क्या हुआ? मैंने बकायदा मंकी को इमेजिन किया। अच्छा हुआ, देखिए आपके जहन में बंदर कई हफ्तों या कई महीनों से नहीं था। हाँ। और मैंने कहा डोंट थिंक अबाउट मंकी और मंकी फौरन जंप करके आ गया। अब हमारे जो स्कूल्स, जब मैं जिन स्कूल्स में पढ़ता था ना, उस वक्त स्कूल की दीवारों पर अच्छे अच्छे फिक्रे लिखने का ट्रेंड था जी, शायद आज भी हो मुझे नहीं पता। अच्छा, अब लिखा होता था झूठ मत बोलो। हाँ, मत गिर गया बाकी करा गया झूठ बोलो। अच्छा अब देखिए, मैं आप हम सब लोग जिंदगी में झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते, हमें बताया गया था झूठ मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ। अच्छा अब क्या ये लड़ाई झगड़ा मत करो सुलह सफाई से रहो नहीं हो सकता, झूठ हाँ। मत बोलो हमेशा सच बोलो ये नहीं हो सकता, गंदगी ना फैलाओ इसकी बजाय सफाई का ख्याल रखो क्या ये नहीं हो सकता। हम अपने सेंटेंसेस में नेगेटिव कमांड्स ऐड करते हैं, नेगेटिव कमांड्स आप समझते हैं कि अमल कर रही होंगी मगर एक्चुअली वो आपके माइंड के अगेंस्ट जा रही होती है और आप वही काम कर रहे होते हैं जिससे आपको रोका जा रहा होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा हुआ है क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड की ये एक एक्सरसाइज थी जो डॉक्टर साहब ने हमें करवाई और उन्होंने कहा था कि मंकी के हवाले से नहीं सोचना, और ट्रस्ट मी मैंने पूरा इमेजिन किया, अच्छा अच्छा मंकी ऐसे होते हैं ऐसे बैठा होता है। हाँ, हालांकि इन्होंने मुझे मना किया कि नहीं सोचना, तो हम अक्सर वो चीजें कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें मना किया जाता है। डॉक्टर साहब फन गुफ्तगू, क्या ये स्किल सीखा जा सकता है? देखिए दुनिया की हर चीज सीखी जा सकती है, कहते हैं कि व्हाट वन मैन कैन लर्न अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू, मगर आप तब सीखेंगे जब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। बिल्कुल ऐसा है। हम समझते हैं कि चूंकि मैं बोल रहा हूं, मैं छोटी सी और एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं सेशन करवा रहा था जी, तो किसी जगह पे मैंने आदमी को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ये बात की, तो उसने कहा कि मैं तो बोल रहा हूँ कई सालों से बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना आता है। अब जब वो बोल रहा था ना तो मुझे उसके नाक का प्रॉब्लम सामने आ रहा था, मैंने कहा आप रात को सोते हुए खराटे लेते हैं जी? कहते आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मैं योगा सिखाता हूँ इसलिए। उसने कहा आपको पता कैसे लगा? मैंने फिर डिटेल्स बताई, तो मैंने कहा आप समझते हैं आपको सांस लेना आता है लेकिन आप सांस गलत ले रहे हैं, उस वजह से आप रात को खराटे लेते हैं। सेम गोज विद कम्युनिकेशन, आप समझते हैं कि जो आप बोल रहे हैं ये काफी है तो मतलूबा नतायज इसीलिए नहीं मिल रहा है कि ये काफी नहीं है, आपको सीखना होगा। मगर देयर इज अ प्रॉब्लम, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर या तो कम्युनिकेशन की एथिक्स पढ़ाई जाती है, मुस्कुरा के बोलो, उसकी तरफ तवज्जो रखो, अपना सर हिलाओ कि उसे पता लगे मेरी बात समझ आ रही है, आंखों से आई कॉन्टेक्ट करो, ये सब कम्युनिकेशन के एथिक्स हैं, मीठा बोलो। अच्छा अब आपने इंटरव्यू में बात की कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता वगैरह, अब इदारों में ले लें, इदारों में जाए आप देखें वहां कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़ाई जाती है, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन के बैरियर्स पढ़ाए जाते हैं कि इसमें ये बैरियर आते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ाया जाता है, सेंडर है, एक रिसीवर है, डिकोडर है वगैरह वगैरह। वेयर आर कम्युनिकेशन स्किल्स? अब स्किल्स नहीं बता रहे, प्रोफेशनल स्किल्स की बात आती है, वो आपको बताते हैं कि प्रीसाइज गुफ्तगू ऐसे होगी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम पे, वो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल हैं, बट वेयर आर कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स वो हैं कि आप दूसरों से अपनी मर्जी का काम ले सकें। हमें पढ़ाया जाता है पैगाम को पहुंचाना कैसे है, सिर्फ ये एक पार्ट है पैगाम को पहुंचाना कैसे है, कंप्लीटली ये है कि दूसरे से वो काम भी तो आपने करवाना है। कम्युनिकेशन मीन्स द रिस्पॉन्स यू गेट,
बात करने के बाद अगर आपकी बात पर अमल किया जा रहा है तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, एम्प्लॉय आपकी बात नहीं मान रहा, टीम मेंबर्स आपकी बात नहीं मान रहे, तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन, प्लीज कंसीडर इट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इतने आला टीचर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बाकी सारी एथिक्स बताई जाती है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया नहीं जाता। डॉक्टर साहब, वालिदैन का क्या किरदार है? क्या बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने में पेरेंट्स अपना रोल अदा कर सकते हैं? देखिये, वो चाहें या ना चाहें, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो अपनी तमाम चीजों को, अपने स्किल्स को, अपनी आदत को, अपने अंदाज को बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जो पेरेंट्स जल्द हाइपर हो जाते हैं, आपने देखा होगा उनके बच्चे भी उसके शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, जो नेगेटिव कमांड्स में बात करते हैं उनके बच्चे भी नेगेटिव कमांड में बात करने लग जाते हैं। लेकिन अगर इन फिक्रों को सादा कर लें, सीधा कर लें, मुस्बत कर लें, तो नतीजा बदल सकता है। जिस तरह मैंने आपको मौकी की मिसाल दी, अब जब वालदैन बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, देखें क्या होता है। एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, तो माँ ने या बाप ने कहा कि पानी लेके आना मेरे लिए। अब वो शीशे के ग्लास में पानी लेके आ रहा है, वो बड़ा खुश है कि आज मैं मामा को या पापा को अपने हाथ से पानी दूंगा, और आप डर रहे हैं ये गिर ना जाए। तो आप कहते हैं गिरा ना देना, ग्लास गिरा ना देना, गिरा ना देना। ना गिर गया, बाकी क्या बचा? गिरा, मैंने कहा नेगेटिव गिर जाता है। तो दिमाग ने रजिस्टर ये नहीं किया कि मंकी को मत देखो, दिमाग ने रजिस्टर किया था मंकी को देखो। अब आपने कहा ग्लास को गिरा मत देना, मत गिर गया गिरा देना, और आपने देखा होगा कि अक्सर औकात बच्चा ग्लास गिरा देता है। बच्चा साइकिलिंग सीखता है तो माँ बाप कहते हैं गिर ना जाना, गिर ना जाना, गिर ना जाना। अरे बाबा, उसे कहो संभल के चलाना, संभल के चलो। उसके जहन में पिक्चर गिरने की मत बनाए, उसके जहन में पिक्चर सेफ ट्रेवल की बनाए। पढ़ने के साले से देख ले बच्चे को, कहते हैं अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी नहीं पढ़ोगे छोड़ोगे तो ये कोई बताता कि पढ़ोगे तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम अपने घरों में देखते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ऑफकोर्स यही होता था, एक तो डर बड़ा होता था ना अम्मी अब्बा का कि ये चीज गलत हो जाएगी तो डांट पिट जाएगी या नाराज हो जाएंगे। अभी बच्चे थोड़ा डरते कम है पेरेंट्स से, लेकिन यू आर राइट, हमारे यहाँ ज्यादा नो का लफ्ज जो है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नो का लफ्ज भी है, फिर आप बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे। कुछ लोग टुवर्ड्स पर्सन होते हैं जो गोल ओरिएंटेड, वो इसलिए काम करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे इसके नतीजे में मिलेगा क्या। कुछ लोग खौफ की वजह से काम करते हैं कि मुझे तकलीफ ना पहुंचे। मैं सिंपल से एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोग इबादत करते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से पूछे इबादत क्यों करते हैं, आपको कुछ लोग कहेंगे जन्नत में जाने के लिए, कुछ कहेंगे जहन्नुम से बचने के लिए। हाँ जी। बात तो एक ही है, जन्नत में चला गया तो जहन्नुम से बच गया, मगर एक की ड्राइविंग फोर्स गोल है जन्नत, एक की ड्राइविंग फोर्स अवे फ्रॉम है कि मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं। एक कहता है अल्लाह की रजा के लिए, एक कहता है अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए। ड्राइविंग फोर्स का फर्क है ना दोनों की, काम तो एक कर रहे हैं। आप वॉक करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ लोग वॉक की एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि मैं सेहतमंद रहूं, कुछ इसलिए करते हैं कि मैं बीमार ना हो जाऊं। कहने के लिए नतीजा तो एक है दोनों का, कि एक नतीजा चाहते हैं, मगर उनकी ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। तो जब तक पेरेंट्स बच्चे की ड्राइविंग फोर्स को नहीं समझेंगे, उसकी ड्राइविंग फोर्स के मुताबिक अल्फाज का, फिक्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसा नतीजा नहीं निकलेगा जैसा आप चाहते हैं। फिर आप कहेंगे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, असल में बच्चा बात मानना चाहता है, आपको बात मनवानी नहीं आ रही। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि जब बच्चों को आप नेगेटिव जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये मत कीजिए या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी जो वो ग्रो कर रहा होता है उस वक्त वो खराब होना शुरू आप हो उसकी ड्राइविंग फोर्स में फियर डाल देते हैं कि जो काम भी करना है मैंने डरा के करना है। अब सारी जिंदगी वो जब भी काम करना चाहेगा उसे ड्राइविंग फोर्स के तौर पर फियर चाहिए होगा, प्रॉब्लम तो आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर साहब। तो किस तरह से हम लोग इसको लेके आगे चले, कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर बच्चों से हम स्टार्ट कर लें तो किस तरह से लेके चल सकते हैं, किस तरह से बच्चों को ये हुनर सिखा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, दिस इज नंबर वन। नंबर दो है कि बच्चे की ड्राइविंग फोर्स को समझें। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि पेन एंड प्लेजर थ्योरी है। हाँ जी। कुछ लोग पेन से बचने के लिए काम करते हैं, कुछ प्लेजर के हसूल के लिए काम करते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ी है तो आपने देखा होगा वहां पर स्टिक एंड कैरेट थ्योरी है। हाँ, कुछ लोगों को डंडा दिखा के काम करवाना पड़ता है। हाँ, कुछ को कैरेट दिखा के, यानी लालच देके काम करवाया जाता है। जी। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को समझना होगा कि दर हकीकत आपके बच्चे की ड्राइविंग फोर्स कौन सी है। उसके बाद बच्चे को अपने मुताबिक बदलने की बजाय आप अपनी गुफ्तगू को बच्चे के मुताबिक बदलें, ताकि बच्चा आपके इशारों पर चले। सही हो गया डॉक्टर साहब। रिश्तों को लेकर थोड़ी बात कर लेती, बच्चों के हवाले से भी बात की, यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात की, कि थोड़ा रिश्तों के हवाले से आ जाते, पेरेंट्स हो, बहन भाई हो, आपका पर्सनल रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ हो या आपके सास ससुर के साथ हो, इसमें गुफ्तगू का
कितना अमल दखल है और गुफ्तगू से किस तरह से हम अपने रिश्तों को मजीद स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए गुफ्तगू जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज में बताया था कि आपके हर पहलू में जिंदगी की हर पहलू में जिंदगी के हर रिश्ते में इन्वॉल्व है। मैं कुछ अर्सा थेरेपी वगैरह करता रहा, जब मैं थीसिस लिख रहा था बेशुमार क्लाइंट्स मेरे पास आते थे फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, तो उनमें से 90% का सवाल या उनका शिकवा अपने पार्टनर से यही होता था कि इसे मेरी बात समझ नहीं आती। हाँ जी। अब वो कहता था कि इसे मेरी बात समझ नहीं आती, दर हकीकत उसे बात समझानी नहीं आ रही होती थी। अगर वो उसके फ्रेम ऑफ माइंड के मुताबिक, उसकी ड्राइविंग फोर्स के मुताबिक बात करता तो नतीजा कुछ और निकलता। अब आम हालात में देख लें, बच्चों के मामले में देख लें चले या रिश्तों के बारे में देख लें, जब मैं बच्चों से प्यार करता हूँ ना तो मैं कैनेस्थेटिक आदमी हूँ, मैं बच्चों को चिमटाता हूँ, पकड़ता हूँ, चूमता हूँ, हवा में उछालता हूँ। अच्छा। बच्चे मेरे काबू आ जाए ना, बच्चे नहीं है। हाँ, पूरी। अच्छा, मैं कैनेस्थेटिक हूँ। अच्छा, कुछ लोग जब बच्चों को मिलते हैं तो वो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, उन्हें बाहर लेके जाते हैं शॉप पर, उन्हें कोई चीज लेके देते हैं, वो उनके नजदीक वो प्यार है। अच्छा, कुछ और आएंगे वो बच्चों को पैसे देंगे, कोई और आएंगे बच्चों से बातें करेंगे, बच्चों का मोबाइल देंगे, हर एक का अपना अपना मिजाज है ना। बिल्कुल। तो आपने बच्चे को खुश करने के लिए बच्चे के मिजाज को देखना है। इसी तरह रिश्तों की ये बात कर रही हैं, तो रिश्तों में भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिजाज हैं। आप किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने हस्बैंड को, भाई को, बहन को जुबान से कहते हैं, कुछ लोग कार्ड लिख के देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अच्छा सा खाना पका के दूंगी ना जब हस्बैंड को, वो समझेगा कि मैं इसके लिए बहुत केयर करती हूँ, कुछ के लिए शॉपिंग केयर है। तो आपको उनकी गुफ्तगू से, उनके बिहेवियर से पता लगेगा कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। आपको उन्हें खुश करने के लिए वही कुछ करना पड़ेगा जो आपका पार्टनर चाहता है, ना कि वो जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने काम लेना है, कुर्बानी आपने देनी है, आप बड़े हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। कुछ लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं अपने रिश्तों से, अपने माँ बाप से, ऑफकोर्स बहन भाइयों से भी। उनकी कोशिश होती है कि हर जरूरत की जो चीजें उनको दिलाई जाए, अगर हस्बैंड है तो उनकी भी कोशिश होती है जो वो अर्न करे अपने बच्चों और अपनी बीवी को दे। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो कहते हैं कि जी मैं मोहब्बत कर तो रहा हूं सब कुछ, तो जताना जरूरी तो नहीं है ना कोई, वो कहते जताना जरूरी नहीं है, बताना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब जताना कितना जरूरी है? देखिए ये आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये हमेशा गिव एंड टेक होता है, ताली कहते हैं दोनों हाथों से बजती है। अगर आप समझते हैं कि आपका पार्टनर इजहार से खुश होता है तो आपको इजहार करना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि आपका पार्टनर शॉपिंग करके, बाहर डाइनिंग करके खुश होता है तो आपको उस चीज को देखना चाहिए। इसी तरह से अगर वो इशारों की जुबान बेहतर समझते कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ये क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आपके मुताबिक चले, काम तो चूंकि आपने लेना है, तो आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, अपने अंदर लचक लेके आए, आपकी लचक दूसरों की मदद करेगी। इस लचक से मुझे एक बात याद आ रही, मैं वो ऐड करना चाहता हूं। जरूर जरूर। बच्चे ने दादा जान से पूछा, कहता है दादा जान आपके दांत कहां पे गए? तो दादा जान ने कहा बेटे उम्र की वजह से टूट गए। तो बच्चा कहता है कि आपकी जुबान भी उतनी पुरानी है, ये तो बहुत चलती है, ये क्यों नहीं टूटी? तो दादा जान ने जवाब दिया कि बेटा दांत अपनी सख्ती की वजह से टूट गए और जुबान अपनी नरमी और लचक की वजह से आज भी कायम है। क्या बात है। सेम गोज विद रिलेशनशिप्स, जितना आप सख्त होंगे, जितना रिजिड होंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, मामलात खराब होंगे, जितनी लचक होगी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितनी नरमी होगी, आप चीजों को आगे बहुत दूर तक लेके जा सकेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है हमें, और ये बड़ी ही खूबसूरत आज गुफ्तगू की, और गुफ्तगू के हवाले से ही है कि अपने रिश्तों को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं और किस तरह से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर एक स्किल्स है। अगर आप में ये स्किल्स नहीं है तो आप इसको सीख सकते हैं। नाज़रीन यहाँ वक्त हो छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दिखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।